मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि आखिरी सांसें जो हैं वो किस तरीके से लेगा नक्सलवाद, उसका प्लान पूरा पुलिस के पास तैयार है। शुक्रिया डीजीपी सर, शुक्रिया झारखंड पुलिस। और अब आपको हम बताते हैं कोयले का खेल जिस पर पुलिस की नकेल। झरिया के अलकडीहा ओपी क्षेत्र के पारबाद में गणेश यादव के कोल भट्टा में पुलिस ने छापा मारा। देर रात सिटी एसपी आर राम कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इसमें 6 ट्रक लोडेड और 7 खाली ट्रक सहित लगभग 1,000 टन कोयला जब्त किया गया। साथ ही भट्टे के मुंशी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। धनबाद में इन दिनों काले खेल का जो कारनामा है वो धड़ल्ले से जारी है। वहीं धनबाद सिटी एसपी आर राम कुमार ने देर रात गणेश कोल भट्टा, जो कि अलगडीहा ओपी क्षेत्र के पारबाद में स्थित यह भट्टा है, जिसमें छापेमारी की। और यहां पे गणेश कोल का तीन भट्टा बनाया गया है जो कि गणेश यादव के नाम से है। और ये तीन भट्टा में कहें तो अवैध रूप से कोयला का भंडारण किया जाता था, जिसके बाद ट्रक में लोड करके इसे बाहर भेजने का काम किया जाता था। देर रात छापामारी के दौरान यहाँ पर 6 ट्रक कोयला लोड ट्रक और कुछ खाली ट्रकों को जब्त किया गया। कुल मिलाकर के यहां से 13 ट्रक को जब्त किया गया है और सुबह से ही लगातार कोयला को यहां से भेजा जा रहा है, जिसमें कुल मिला के 18 ट्रक कोयला जो कि भंडारण यहां पर मौजूद था उसको थाना पहुंचाया गया है। कोयले का खेल, पुलिस की नकेल। झरिया के अलगडीहा ओपी क्षेत्र अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध कोयले के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। सिटी एसपी आर राम कुमार ने बुधवार 2 मार्च की देर रात परबाद स्थित अवैध कोयला कारोबारी गणेश यादव के भट्टा में छापेमारी की, जिसमें 1000 टन से अधिक कोयले का स्टॉक था। वहां से 18 ट्रक भी जब्त किए गए हैं। 4 ट्रक में अवैध कोयला लदा था और 14 ट्रकों में कोयला लोड करने की तैयारी की जा रही थी। इसके अलावा वजन करने के लिए लगाए गए 4 कांटा को भी जब्त कर लिया गया है। इस छापेमारी से कोल माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने एक मुंशी को भी हिरासत में ले लिया है। अलगडीहा पुलिस ने सभी ट्रक और कोयला को जब्त कर लिया है। महीनों से गणेश यादव अवैध कोयले का धंधा बड़े पैमाने पर चला रहा था। रोज 18 से 20 ट्रक कोयला बलियारपुर के रास्ते खपाया जा रहा था। कोयला आसपास के कोलियरी क्षेत्रों से साइकिल से आता था। बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन की मिलीभगत से खेल चलता था। हाईवा वाहन के जरिए भी अवैध भट्टा में कोयला डंप किया जा रहा था। सिटी एसपी साहब के द्वारा कार्रवाई की गई है। कल रात में ये अलगडीहा का पारबाद इलाका है, यहाँ गणेश यादव के भट्टे के पास अवैध कोयला डंप मिला है और इसमें लगभग अभी तक जांच चल रही है, लेकिन लगभग 6 से 8 गाड़ी लोड गाड़ी ट्रक मिल गया है और अभी कोयला जो है उठाया जा रहा है। इसमें भी अभी 6 हाईवा जा चुका है और भी कुछ हमको लगता है कि 2-3 हाईवा और होगा। टोटल हम लोग एफ आई आर होने के बाद बता पाएंगे कि कितना हाईवा गया है। कितना ट्रक सर यहाँ से पकड़ाया है? लगभग अभी इसमें चूंकि लोड और अनलोड दोनों चीज़ें हैं तो लोड लगभग 6 या 8 करीब है और अभी वही जाँच चल रहा है सर कि, और कुछ खाली ट्रकें भी पकड़ाई हैं, उनका भी जाँच किया जाएगा। अगर उनकी भी अगर कुछ भूमिका होगी, चूँकि ये कोयलरी का इलाका है तो यहाँ और भी ट्रकें आती रहती हैं, लेकिन अगर उनकी भी भूमिका अगर होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये सब जांच के बाद 18 ट्रक सर बोला जा रहा है कि बताए तो आपको कि लोडिंग और अनलोड दोनों मिला के लगभग उतना ट्रक, अभी निश्चित आंकड़ा मेरे पास नहीं है। इससे पहले बेरमो में भी पुलिस ने अवैध कोयले पर बड़ी कार्रवाई की। बेरमो में जंगल में कोयला जमा किया जाता था और फिर उसे बाहर भेजा जाता था। एक के बाद एक लगातार पुलिस की अवैध कोयले के खिलाफ कार्रवाई ने कोयला तस्करों में हड़कंप मचा दिया है। यहाँ पर सिंदरी के एसडीपीओ अभिषेक कुमार यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके निगरानी में कोयला को यहाँ पर उठाया जा रहा है। तो ये सारे मामला जो कहे तो गणेश कोल भट्टा का है और यहाँ पे अवैध रूप से कोयला यहाँ जमा होता था, जिसमें कुछ बीसीसीएल के माइन से आती थी, कुछ अवैध रूप से यहाँ पे लाया जाता था और कांटा करके उसको ट्रक में लोड करके बाहर भेजने का काम किया जाता था। लेकिन कहे तो इसमें जो कि धनबाद के एसपी आर राम कुमार के द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है इस गणेश कोल भट्टा पर। न्यूज 11 भारत के लिए झरिया से अभिमन्यु के साथ अंकित झा की रिपोर्ट।
और धनबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अरुण बर्नवाल। अरुण बर्नवाल, कोयले के खिलाफ या अवैध कोयले के खिलाफ अगर कहूं तो ये बड़ी कार्रवाई है, 1000 टन कोयला जब्त किया पुलिस ने, किस तरीके से देखा जाए इस कार्रवाई को? चूंकि इस कार्रवाई को एक फ्रेम में देख रहा हूं मैं कि कल बोकारो थर्मल में भी देर रात जंगल में घुस करके पुलिस ने कम से कम 100 टन कोयला जब्त किया है, खलारी में भी पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है, जिसके बाद अब ये तीसरी कार्रवाई धनबाद में, तो किस तरीके से देखा जाए, क्या पुलिस थोड़ा सख्त हो रही है कोयला माफियाओं के खिलाफ? अरुण, कह सकते हैं हम पुलिस जो है अब, क्योंकि सरकार तक ये बात लगातार जा रही है कि पूर्वांचल में कोलफील्ड में अवैध कोयले का कारोबार बहुत व्यापक रहने पर हो रहा है और जिसके कारण सरकार की किरकिरी हो रही है, तो सरकार ने स्पष्ट रूप से जिले के अधिकारियों, जिला पुलिस को अधिकारियों के साथ निर्देश दे रखा है कि जहां भी सूचना मिलती है वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उसी के तहत आप समझ सकते हैं कि कुछ और राज्य के कुछ और हिस्सों में जो अवैध कोयले के डिपुओं पे छापा पड़े हैं, उसी सिलसिले में धनबाद में भी आज कह सकते हैं हम अलग बिहार के वहां पर इतने बड़े व्यापक पैमाने पर कोयला मिलना ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हालांकि इस पूरे मामले में, इस कार्रवाई में सीपीएससी ने अपने फोर्स के माध्यम से बगैर लोकल थाने की सूचना दिए कार्रवाई की है, जिसमें बताया तो जाता है भारी पैमाने पर है और चूंकि अभी तक मेजरमेंट हो रहा है तो इसलिए अभी कोयले का क्या है, कितना कोयला है, इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन कहा जा रहा है कि 8 लोड कोयले ट्रक वहां पे मिले हैं, जबकि खाली ट्रकों की संख्या माफ करें वहां 9 ट्रक, जैसा कि सीपीएससी से अनऑफिशियली जो बात हुई, हालांकि उन्होंने कैमरे खोने को कहने से मना कर दिया था। मंडल है उसमें 10 ट्रक कोयला आज बरामद जब्त किया गया है, जिसमें 9 अलग बिहार उसी क्षेत्र में है और 1 सुदामी क्षेत्र में है। तो ये जो 9 ट्रक है ये गणेश यादव का बताया जाता है, ये भट्टा है और वहां पे इसको लोडेड हालत में पाया गया है, जबकि काफी मात्रा में कोयला वहां पड़ा हुआ है और कुछ खाली ट्रकें भी जब्त की गई है जो या तो भट्टे के अंदर थे या भट्टे के बाहर थे। और पुलिस अब उन ट्रकों का इन्वॉल्वमेंट इसमें जांच कर रही है कि वो ट्रक क्या उसी भट्टे में आए थे कोयला लोड करने के लिए, या क्योंकि वो जो इंडस्ट्रियल इलाका है तो बहुत सारी ट्रकें दूसरे इलाके इंडस्ट्री में भी जाती है वहां के लिए थी। तो कह सकते हैं जो एक बार अवैध कोयला जो कारोबारी है उनमें इस बार निश्चित रूप से सीपीएससी के इस कार्रवाई ने खत्म मचा दिया है। जी चले अरुण, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अवैध कोयले पर इसी तरह पुलिस नकेल कसती रहे, हम तो यही उम्मीद करते हैं, ताकि अवैध कोयले का ये जो कारोबार फल फूल रहा है इस खेल पर नकेल पर। बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।